घूम घूम भाग के। पूरब कहाँ हो तुम? इतनी बार फोन किया ना, तुम कॉल बैक करते हो। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता ये किसका फोन है, तो ये फोन जमीन पर पड़ा हुआ बज रहा था। पूरब कहाँ हो तुम? इतनी बार फोन किया ना, तुम कॉल बैक करते हो। घर में सबको चिंता हो रही है ना। हेलो, पूरब को दीजिए। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता ये किसका फोन है, तो ये फोन जमीन पर पड़ा हुआ बज रहा। वो क्या गया, तुम रो क्यों रही? पूरब क्या है, उसे फोन दो। सिटी केयर हॉस्पिटल में हम लोग हैं, मैं आपको फोन कर रही हूँ, प्लीज जल्दी यहाँ पर आ जाइए प्लीज। हॉस्पिटल, पूरब जी का एक्सीडेंट हो गया है, वो आईसीयू में। कैसा लगा तुम्हें मेरा वैलेंटाइन विश? बहुत अच्छा। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा कब लगेगा? कब वो दिन आएगा जब मेरी वैलेंटाइन मुझे ऐसा ही कोई गिफ्ट देगी? कहते हैं कि दिन में एक बार ना सरस्वती जी हमारी जबान पे बसती, हो सकता है आपकी यही कही बात सच हो जाए। रियली? हो सकता है कि यही सही वक्त है। मैं सुविधा का लेकर आती हूँ। आलिया, तुम्हें कुछ काम था क्या? पूरब का हाल पूछने आई थी, बट लगता है कि वो ठीक ही है। मजे ले रही थी? नहीं, बस अब दिखाता हूँ। नहीं, कहाँ भाग कर जाओगी? प्लीज, ऐसा क्यों कर रहे? देखिए, प्लीज देखिए, मैं बस अब। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। ऐसे कोई वैलेंटाइन विश करते हैं? तो और कैसे करते? हो, इससे अच्छा तो तुम मुझे गुड नाइट ही विश कर। मैंने कम से कम आपको विश तो किया, आपने तो मुझे विश भी नहीं किया। इससे अच्छा विश ही नहीं करती? तुम्हें पता है दिल जो होता है ना, वो एकदम बच्चा होता है, ना तो उसे सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, समझी? मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे विश करते। वो बादल देख रहे हो वहां पर? नहीं। इमेजिन करो ना, इमेजिन वो बादल देख रहे हो आप? हाँ। दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ दिख रहा है। तो अगर मैं अपने वैलेंटाइन को विश करता, तो इस तरह उसका हाथ पकड़कर अपने साथ उसे संभल के बादलों के उस पार ले जाता। बादलों के उस पार जाना चाहोगे? चले। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अब बता तेरी तबीयत कैसी है पुत्र? बिल्कुल ठीक है दादी।
लो हो गया, फैमिली रियूनियन शुरू। सुबह सुबह ऐसे मिलते हैं जैसे हफ्तों बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज इस फैमिली का एक मेंबर हमेशा के लिए रिटायर हो जाएगा। मेरी रातों की नींद उड़ाई है ना प्रज्ञा तुमने, आज मैं चैन से सोऊंगी। उसके लिए तुम्हें चैन से सोना जरूरी है हमेशा के लिए, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा है तुम्हें मारने का। कोई तरीका मुझे इस घर में ढूंढना ही होगा। कम ऑन सिमोनिका, थिंक। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सिमोनिका, वो मिसेस सेठी की फाइल लेके आई हो? मुझे अभी मीटिंग के लिए निकलना। जी सर, रेडी है, ये लीजिए। पूरब जी। हाँ? सिमोनिका, एक मिनट, एक मिनट इधर आइए ना। क्या हुआ दिशा? आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। आज आपको पता है दीने सारा खाना स्पेशली जीजू के लिए अपने हाथों से बनाया। Really? आप पूछेंगे नहीं क्यों? तुमने पूछा नहीं दीसा? मैंने पूछा तो, पर उन्होंने बताया नहीं। पर मुझे लगता है ना, वो वैलेंटाइन डे पर जीजू को सरप्राइज देना चाहती है। मेरा तो दिल कह रहा है कि आज वो अपनी सच्चाई बता ही देंगे। इसका मतलब आज का दिन तो अभी की जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। और मेरे लिए भी, क्योंकि तुम्हारे इस खुशी वाले दिन ने मुझे मेरा मकसद पूरा करने का मौका जो दिया है। तनु, शट अप से ऊपर कोई कुछ होता है क्या? I mean, is there something that is above that? हाँ है ना, you stupid, you fool, हाँ यही होता है। करेक्ट है। ये सब ना अपने लिए समझ लो इस वक्त के लिए, ओके? तुम्हारे लिए बने। चलो मान लिया, इतनी देर में फोन में स्टुपिडिटी कर रही हो, उसका क्या? स्टुपिडिटी नहीं कर रही हूं, मैं काम कर रही हूं। अच्छा, क्या काम कर रही हूं? पता लगाने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से प्रज्ञा सबको अपने असली रूप के बारे में नहीं बता रही। Just trying to figure that out. कुछ पता चला? हाँ, पता तो चला है। प्रज्ञा ना, तनु, तमीज नहीं है तुम्हें? ये किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं किसी कमरे में बिना नॉक किए नहीं आते? तुम्हारी स्टुपिड बॉस प्रज्ञा ने इतनी तमीज नहीं सिखाई तुम्हें? सिखाई है ना, और साथ में ये भी सिखाया है कि रिस्पेक्ट उनकी करनी चाहिए जो उसके लायक हो। बेशरम और शातिर लोगों को रिस्पेक्ट हजम नहीं होती। माइंड योर लैंग्वेज सिमोनिका, डोंट यू ट्राई टू मेस विद मी। तुम जानती नहीं हो तुम किससे पंगा ले रही हो। भाई को बोलकर धक्के मारकर इस घर से निकलवाऊंगी तुम्हें, समझी तुम? माय गॉड, मैं तो डर गई। लाइटर को भी अभी घूमना था, क्योंकि सामने रखी हुई चीज नजर नहीं आ रही। नरेन को लेकर जो उनके मन में कड़वाहट पैदा हुई है उसे नरेन ही दूर करेगा। दादाजी, ये परंपरा, सभ्यता, ये सब इन गलीच के गले में नहीं उतरती। और एक बार मैटर ठंडा हो गया, उसके बाद राहुल एमडी की चेयर वापस नरेन को अगले दिन ही दे देगा। तो फिर इट्स डन। व्यास इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी संभालने का अधिकार मैं राहुल व्यास को देता हूँ। हमको यहां से निकलना, ये लोग बहुत खतरनाक है। कल हमारे घर में मेहंदी का फंक्शन है, हमें हर आने वाले गेस्ट पर कड़ी नजर रखनी है। जानकी भी उस फंक्शन में मौजूद होगी और वो हमें इशारे से बता देगी कि वो इंसान कौन है जो हमारा दुश्मन है। कल से तुम्हारी शादी के मेन फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और इसी के साथ साथ अपनी मंजिल के और करीब जा रहे हैं। हमारा प्लान एकदम राइट ट्रैक पर जा रहा है।
कलवा जब जिया के सिर पर गिरेगा तो उजल कर राख हुई जाएगी।